के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, लाल तस्वीरों में राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम आप तस्वीरों में देख सकते हैं, के नौ निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। आदरणीय मुरलीधर राव जी से निवेदन है कि वह मंच पे आए, हमारे प्रेरणा के केंद्र भारत सरकार पूर्व उप प्रधानमंत्री पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल केसर आडवाणी जी का स्वागत करें। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से निवेदन है कि मंच पे आए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का पटका के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी से निवेदन है कि वह मंच पे आए और पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में पार्टी विश्व की सबसे बड़ी बनी, ऐसे माननीय राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अनिल जैन जी, आदरणीय विनोद सोनकर जी से निवेदन है कि मंच पे आए अनुसूचित मोर्चा के आप राष्ट्रीय, तो बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं और मौका है जेपी नड्डा का बीजेपी का बिग बॉस बनने का, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्हीं का जिक्र भी कर रहे थे वहां पर और ये कह रहे थे कि अमित शाह के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और अब उसको आगे बढ़ाएंगे जेपी नड्डा, उनको जिम्मेदारी मिली है। इस मौके पर कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अमित शाह वहां पर है, देखिए कैसे मिठाई खिलाई गई है। तो जेपी नड्डा जो कि राज्यसभा सांसद भी है हिमाचल प्रदेश से और आरएसएस से वो लंबे समय तक जो है जुड़े रहे हैं, जमीन स्तर पर काम करते रहे, जमीन से जुड़ा हुआ नेता नड्डा को माना जाता है और 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं जेपी नड्डा और 3 साल तक वो इस पद पर रहने वाले हैं और उनका स्वागत करें तमाम बीजेपी शासित जो सभी जगहों से, वैसे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अब स्वागत करें आने वाले जोरदार वक्त में बिहार में बंगाल में इसके साथ साथ चुनाव होने 2022 में भी चुनाव होने दिल्ली में इसी साल जो है पार्टी के चुनाव होने हैं, तो जेपी नड्डा के ऊपर ये कहीं ना कहीं दबाव भी होगा, उनके लिए चुनौती होगी कि यहाँ पर जीत दर्ज करवाए खासतौर पर पश्चिम बंगाल करें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं और कार्यकाल चूंकि अमित शाह का खत्म हो गया था और उसके बाद अंतरिम जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे जेपी नड्डा और अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि वो नए बॉस बने हैं बीजेपी के। और जेपी नड्डा की अगर बात करें तो उनके सामने किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया और वो निर्विरोध चुने गए हैं शुरुआत और बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह ने जेपी नड्डा को पूरे देश भर में 6 अध्यक्ष जाने का ऐलान भी किया। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत भी किया है, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, संभवतः प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ देर बाद वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करें क्योंकि महत्वपूर्ण क्षण है। बीजेपी इस वक्त एक बहुत बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, ऐसे में वक्त वक्त पर उनके साथ संवाद किया जाता रहा है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह वक्त वक्त पर संवाद करते हैं और पूरे देश भर में संपर्क और ये भी देखने को मिला जब अमित शाह अध्यक्ष थे तो अमूमन होता ये है कि जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पहुंचे और कार्यकर्ताओं की संख्या कम हो तो वो चुनाव की प्रक्रिया वो कोशिश ये करते हैं कि फिर सभा न हो, लेकिन अमित शाह चाहे संख्या कम भी है उसके बाद भी संबोधित करते थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या वहां पर चल रहा है और जेपी नड्डा की ताजपोशी, क्या चुनौतियां उनके समक्ष होंगी, ये साथ साथ आप दर्शकों को बताएं भी। देखिए राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे, उनके स्वागत करने के लिए एक खास मंच बनाया गया है जिसमें भाजपा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद है, इसके अलावा भाजपा के तमाम सारे कद्दावर नेता
जो कि अभी भी जो है पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के नेता है वो बहुत मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा, उनके सामने होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है और दिल्ली विधानसभा में कभी भाजपा उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जिस तरीके का वो हमेशा चाहती रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए दिल्ली से शुरू होगी जहाँ पे 8 तारीख को मतदान है, 8 फरवरी को, तो वहीं से इनकी चुनौती शुरू होगी। देखने वाली महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जिस प्रकार से पिछला चुनाव अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा गया था दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त, अब इस बार जेपी नड्डा ऐसे क्या कुछ करते हैं कि दिल्ली में सरकार भाजपा बनाने में कामयाब हो जाए, ऐसा उन्हें कुछ करना होगा, यही उनकी कोशिश होगी। फिर आगे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा चुनाव, लेकिन उसके पहले बंगाल में, बिहार में, यहाँ पे भी चुनाव है। और जो सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने वो ये है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने जेपी नड्डा, उनके सामने चुनौती हुई कि किस तरीके से एनडीए के कुंभों को बढ़ाया जाए, किस तरीके से नए नए जो पार्टीज हैं उसको जो है एनडीए में लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए और ये गठबंधन चले। तो ये तमाम सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा इनके सामने होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती आगे खड़ी है वो यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है और यही कि उनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है। जी अविनाश, इस वक्त अगर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन वहां पर आपको नजर आ रहा है। मंच पर तो हमें दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं, और कौन कौन से वहां पर बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, प्रदेशों से कौन कौन पहुंचा हुआ है? जी अगर हम बात करें खासतौर से अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद हैं। दोनों इस वक्त नीचे मंच के नीचे जो है आगे स्टेज लगा हुआ है वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड के विपक्ष प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो दोनों यहीं पे मौजूद है। इसके अलावा तमाम सारे जो कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो उत्तराखंड के कोटे से हो चाहे फिर वो अलग अलग दूसरे राज्य से हो, वो सारे कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सारे यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ढोल नगाड़े बजा के यहाँ पे स्वागत किया गया और तमाम तरीके से जो तरीके से स्वागत है वो किया गया। डॉक्टर लाल के साथ अदड़ी लाल के साथ वाणी जी से निवेदन करूंगा कि जगत प्रकाश नड्डा जी को आप तो अभिनंदन प्रकाश और नड्डा जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और क्या चुनौतियां उनके सामने होंगी वो हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमें बता रहे थे, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी बुके देकर पुष्प गुच्छ देकर उनको उनका जो है अभिनंदन किया है, निवेदन करूंगा और उनका सम्मान किया है। नड्डा जी को आप पुष्प गुच्छ देकर के उनका अभिनंदन करें। तो एक एक कर अभिनंदन जो है किया जा रहा है। देखिए मुरली मनोहर जोशी, ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी के पार्टी के साथ जो शुरुआत बीजेपी के साथ करने वाले, बीजेपी को आगे बढ़ाने वाले ये वो लोग हैं और मंच पर हैं और जेपी नड्डा का अभिनंदन किया जा रहा है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंच पर जहां बड़े बड़े चेहरे हैं केंद्र के, तो दूसरी तरफ राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए, बीजेपी शासित और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और कुछ देर बाद संबोधन भी होगा। इस वक्त अभिनंदन चल रहा है, सब पुष्पगुच्छ देकर बुके देकर अभिनंदन कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बताया जा रहा है कि संबोधन होगा। अब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से क्या कहते हैं। जेपी नड्डा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, चुनौती दिल्ली, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही जो है वोट डाले जाने वाले हैं 8 तारीख को। अविनाश संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, दिल्ली में जो है विधानसभा के चुनाव हैं, इसके साथ साथ बिहार में चुनाव होने हैं और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में चूंकि अब दिल्ली के जो चुनाव बहुत नजदीक है, थोड़ा इंतजार किया जा सकता था, लेकिन दिल्ली चुनाव से पहले ही जेपी नड्डा को पूरी तरह से जिम्मेदारी दे दी, कार्यकारी के तौर पर तो काम कर ही रहे थे। बिल्कुल, देखिए कार्यकारी तौर पर वो काम कर ही रहे थे जिस प्रकार से, क्योंकि अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो लगातार गृह मंत्रालय के कामों में इतना व्यस्त रह पा हो गए थे कि वो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको समय नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा तमाम सारे जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनमें भी उनको जो है समय देने में काफी दिक्कतें हो रही थी। इसीलिए इस वक्त ये तय किया गया कि जब सारे मंडल के चुनाव हो गए हैं, सारे बूथ के चुनाव हो गए हैं, कई सारे प्रदेश के अध्यक्षों का चुनाव हो गया है, तो ऐसे में अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेना चाहिए और इसी कड़ी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही जो है ताजपोशी आज कर दी गई।
लेकिन जो वही सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में है, जब वहां से टिकट बांटने का जब सिलसिला हुआ था, तो वो पूरी बैठक खुद निवर्तमान अध्यक्ष अमित शाह ने की थी और अमित शाह ने पूरी बैठक की थी, खासकर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। जाहिर तौर से बात है कि वहां पे जेपी नड्डा भी जरूर मौजूद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे फैसले में अमित शाह का निर्णय साफ तौर पर दिखता रहा है। और अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अब जबकि चुनाव है, 8 तारीख को वोटिंग होनी है, तो ऐसा क्या कुछ करते हैं जेपी नड्डा अपने नेतृत्व में और किस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अविनाश, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जेपी नड्डा, जिन्होंने शुरुआत की अपनी राजनीति की छात्र राजनीति से और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हैं। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpgangaट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpgangaट्विटर।